अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल जायका इंडिया। आज हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं आलू बैंगन की ट्रेडिशनल सब्जी। ये बहुत ही टेस्टी और चटपटी होती है। इसे आप रोटी या पराठे के साथ खाएं, बहुत ही जायकेदार लगती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आलू बैंगन की सब्जी बनाना। आलू बैंगन की सब्जी बनाने के लिए कढ़ाई में 3 टेबल स्पून तेल को अच्छी तरह गर्म करके हमने फ्लेम मीडियम कर ली है। अब इसमें ये 5 फोरन मसाला ऐड करेंगे, 2 चुटकी हींग के अलावा, 1 टीस्पून जीरा, 1/2 टीस्पून राई, 1/2 टीस्पून मेथी, 1/2 टीस्पून कलौंजी और 1/2 टीस्पून सौंफ। उसके अलावा ये 2 चुटकी हींग है। इन सब मसालों को पंचफोरन मसाला कहते हैं। इन्हें हम सरसों के तेल में ऐड कर देंगे। तेल गर्म हो चुका है, हल्का सा फ्राई कर लेंगे। मसाले को हल्का सा फ्राई करने के बाद इसमें हल्की हल्की खुशबू आने लगी है। अब हम इसमें 2 मीडियम साइज़ की बारीक कटी हुई प्याज ऐड करेंगे और प्याज को हल्का गुलाबी होने तक फ्राई करेंगे। अब ये देखिए प्याज हल्की हल्की सी गुलाबी होने लगी है। इसमें हम 1 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट डालकर फ्राई कर लेंगे। अब इसके साथ साथ ही हम ये 250 ग्राम कटे हुए आलू हैं, इन्हें भी ऐड करेंगे और मिक्स कर लेंगे और प्याज के साथ साथ आलू को भी फ्राई होने देंगे। और 3 से 4 मिनट तक ढककर स्टीम में आलूओं को पकने देंगे। ये देखिए आलू और प्याज को स्टीम में थोड़ी देर पका लिया है ताकि आलू गल जाएं, क्योंकि आलू जो हैं वो बैंगन के मुकाबले देर से गलते हैं, थोड़े सख्त होते हैं। तो देखिए आलू हल्के से सॉफ्ट हो गए हैं, प्याज और लहसुन अदरक का पेस्ट भी अच्छे से फ्राई हो गया है। अब इसमें हम मसाले ऐड करेंगे, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1/2 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, नमक जायके के मुताबिक। इन सब मसालों को ऐड करेंगे और अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। देखिए मसाले को हमने अच्छी तरह से फ्राई कर लिया है ताकि मसाले का कच्चापन दूर हो जाए। अब हम इसमें ये कटे हुए बैंगन ऐड करेंगे। ये 250 ग्राम बैंगन हमने धोकर काट के पानी में डाल दिए थे ताकि ये काले ना पड़े। अब बैंगन को भी आलू और मसाले के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। अब बैंगन को भी अच्छी तरह से मसाले में मिक्स करने के बाद हम बैंगन को ढककर 5 मिनट तक मीडियम फ्लेम पर पकाएंगे ताकि बैंगन भी सॉफ्ट हो जाए। अब सब्जी को चेक कर लेते हैं, बैंगन भी सॉफ्ट होने लगे हैं और सब्जी एकदम ड्राई हो गई है। बैंगन का जो पानी था वो भी खुश्क हो गया है। बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है, बहुत टेस्टी सब्जी बनकर तैयार हुई है। अब इसमें 2 बड़े साइज़ के रफली कटे हुए टमाटर ऐड कर देंगे और ये 3 से 4 हरी मिर्च है, इन्हें भी ऐड करेंगे और अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और टमाटर के सॉफ्ट होने तक ढककर सब्जी को 5 मिनट तक और पकने देंगे। टमाटर के साथ भी हमने सब्जी को 5 मिनट तक पका लिया है। सब्जी अच्छे से कुक हो गई है। अब इसका लास्ट स्टेप है, 1 टीस्पून कसूरी मेथी और 1/2 टीस्पून गरम मसाला ऐड करेंगे और अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। कसूरी मेथी का फ्लेवर बहुत अच्छा आता है सब्जी में। अब कटा हुआ हरा धनिया डालेंगे और 2 मिनट के लिए दम पे रख देंगे ताकि कसूरी मेथी, गरम मसाले और हरे धनिया का फ्लेवर अच्छे से आ जाए सब्जी में, और उसके बाद हम सब्जी को सर्व करेंगे। देखिए व्यूवर्स, हमारी आलू बैंगन की ट्रेडिशनल सब्जी बनकर रेडी है। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। उम्मीद है आपको रेसिपी पसंद आई होगी। पसंद आने पर लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।